लॉकिंग रिलेटर्स प्रताप सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बहुत बेहतरीन आ रही है सर, आवाज भी और फेस भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले धन्यवाद देते हैं टीजीएस एजुकेशन सिस्टम को कि जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एकदम सुबह सुबह कुछ काम करो या ना करो, अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो कुछ करो। और ये सीखने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में बोल सकते हैं कि कोई भी बंदा आ सकता है, कोई भी हो, किसी भी वर्ग से हो, धनाढ्य वर्ग से हो, मध्यम वर्ग से हो, गरीब वर्ग से हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हर व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है और अपने जीवन को समझ सकता है। तो टीजीएस एजुकेशन सिस्टम को मैं सलाम करता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म गुरुदेव सर ने हमारे को दिया है और सुरेश शर्मा सर के गाइडलाइन में उनकी इच्छा शक्ति काम कर रही है। क्योंकि देखिए रेनेटस तो हम लोग कर रहे हैं, आज करीब 3.5-4 साल से कर रहे हैं, मगर हमारे को एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत थी कि एक साधारण सा इंसान भी यहाँ पे अपने आप को प्रूफ कर पाए। तो ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे को गुरुदेव सर ने दिया है और इसको एक्चुअली रिजल्ट में प्रूफ करके दिखाया है सुरेश शर्मा सर ने। और आप टीजीएस के जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है टीजीएस के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने गुरुदेव सर के सपने को फुलफिल किया है। हमारे जूम सेशन में आते हैं, हर मीटिंग में आते हैं, हमारे जो लीडरशिप प्रोग्राम होते हैं वहां पे आप लोग आते हैं, तब जाके उनका वो सपना फुलफिल होगा जो वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। एक बोल सकते हैं कि दोनों तरफ का हिस्सा है, खाली गुरुदेव सर चाहेंगे और सुरेश शर्मा सर चाहेंगे कि टीजीएस नंबर वन बने, रेनेटस नंबर वन बने, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आप चाहेंगे कि हम भी यहाँ पे बहुत उन्नति करें, हम भी करोड़ों में कमाएं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई चीज में बड़ी सफलता, देखिए सफलता कुछ पाना और बड़ी सफलता बहुत अंतर है। कुछ पाना एक जिंदगी का नॉर्मल पार्ट है, आप नौकरी कर सकते हो, आप ऑटो चला सकते हो, आप सब्जी बेच सकते हो, कुछ भी करो, आप बिजनेस कर सकते हो, मगर वो नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो हमारे पास उतना तो ज्ञान है, उतना हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, मगर बड़ी सफलता को पाने के लिए हमारे को टीजीएस एजुकेशन सिस्टम जैसा किसी एक सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा जहां पे हर व्यक्ति की सफलता के लिए सोच रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज सुबह सुबह आज हम आए हैं, मगर अभी हमारा जो दिमाग है कहाँ पे है। अगर बोल सकते हैं कि अभी भी मैं टीजीएस का जो चलो एबीसी का जो प्रोग्राम हमारा जिम कॉर्बेट रामनगर में हुआ है, मैं अभी उसी के ही सपने में डूबा हुआ हूँ। अभी भी लग रहा हूँ कि मैं वहीं पे हूँ, रामनगर में हूँ, और जिम कॉर्बेट में जो प्रोग्राम था 3 दिन का, इसको हम क्या व्याख्या दे, सुंदर बोले, अति सुंदर बोले, इसका बोल सकते आपके एक्सपेक्टेशन के भी बाहर, आपके शब्दों के भी बाहर कोई भी शब्द नहीं निकलता कि ये जो प्रोग्राम हुआ ये एक्चुअली क्या था। ये कैसी कल्पना थी, एक ऐसी कल्पना की जगत पे हमको लिया जा रहा था कि आप समझ नहीं पाएंगे, जो लोग गए थे चलो एबीसी में रामनगर में वो वही एकमात्र बोल पाएंगे कि क्या प्रोग्राम था, अल्टीमेट बोल सकते हैं, इसके बाहर हम कुछ सोच नहीं पाएंगे। और पहला प्रोग्राम था, ये भी सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहला प्रोग्राम था हमारा इतने बड़े आकार में, मैं तो अभी बोलूंगा कि इतने बड़े आकार में इंडिया लेवल में रेसिडेंशियल प्रोग्राम शायद किसी कंपनी ने सोचा भी नहीं होगा। 3 दिन का रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम शायद किसी दूसरे नेटवर्किंग कंपनी ने सोचा नहीं होगा, जो हमारे रेनेटस वेलनेस के टीजीएस एजुकेशन सिस्टम में हमारे एक लीडर, हमारे महागुरु गुरुदेव सर ने करके दिखा दिया। जो सोच नहीं पाएंगे वो हमने करके दिखा दिया। तो क्या पॉजिटिव सोच रही होगी, वहां का जो वाइब्रेशन था
कि बोल सकते हैं कि एक दिन का मीटिंग खत्म होता था, रात को हमको नींद नहीं आता था, पूरा सपने में वही प्रोग्राम याद आता था, दूसरा दिन खत्म होता था वही आता था। अल्टीमेटली आज करीब 3 दिन हो चुके हैं हम चलो एबीसी के प्रोग्राम से वापस आए हैं, मगर अभी भी जब भी आंख मूंदते हैं तो याद आता है कि वहां की क्या हो रहा था। तो आप लोग जो गए थे, आप लोग अपनी अनुभूति टीम से शेयर कीजिए, मगर जो लोग नहीं जा पाए उनको हम थोड़ा बोलने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा था। पहला बात तो ये बोलेंगे कि जब हमने वहां पे एंट्री लिया, मैं अपनी उपलब्धि बताऊंगा क्योंकि आज करोड़पति डे है, करोड़पति अपना इतिहास उसको बताएगा, मगर ये करोड़पति जो है अगर यही टीजीएस के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके और 5 साल हम टिक गए ना, 100% ये आप जरूर याद रखना कि करोड़पति जो आपके सामने बैठा है आज से 5 साल बाद यही बंदा आपको अरबपति के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि सिस्टम इतना पावरफुल होता जा रहा है। तो इसलिए हम पहले बात कर लेते कि चलो एबीसी में क्या हुआ, 2-3 मिनट हम इस पे बात करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि पहले जब हम लोग एंट्री लेते हैं एक तो पता नहीं चल रहा था कि वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे क्या हमारे लिए सरप्राइज वेट कर रहा है, हमारे को कुछ आइडिया भी नहीं था। जब से ही हमने एंट्री लिया तो चारों तरफ रिसेप्शन से लेके हमारा मेन गेट एंट्री तक पहले ही दिखाई दिया कि यहाँ के जो रीजनल एंड अबव लीडर्स है उनके बड़े बड़े कटआउट पोस्टर्स, जैसे राजनेताओं के रहते हैं, कोई राजनेता जब कोई शहर में विजिट करता है तो उसके बड़े बड़े कटआउट रास्ते के दोनों तरफ रहते हैं, इसी तरह हमने पहले देखा कि रीजनल एंड अबव लीडरों का कटआउट वहां पे आपको दिख रहा है, बकायदा टाई कोट पहने आप अपने लीडर को जब वहां पे देखते हो तो पहले कि आपका समर्पण भाव आ जाता है कि हमारे लीडर जो रीजनल एंड अबव रैंक में है वो यहाँ पे मेन हीरो के रूप में खड़े हैं। ये तो पहला वेलकम हुआ। उसके बाद अगर बोलूं कि उसके बाद एक व्यक्ति कौन कौन कहां से आ रहा है, कितने दूर दूर से, असम से, त्रिपुरा से, भारत के डिफरेंट प्रांत से लोग आ रहे थे, हर व्यक्ति को समय से मतलब एकदम टाइमली हर व्यक्ति को रूम मिले, इसकी व्यवस्था भी बहुत तरीके से प्लानिंग करके किया गया था कि लोगों को ये भी कहता हूं कि उतनी तकलीफ नहीं हुई जितना रास्ते में तकलीफ हुई उनको आने में, रूम मिला, लोगों ने इतना अच्छा रिसोर्ट में हमारा प्रोग्राम हुआ था कि रियली कहता हूं कि मन खुश हो गया। चारों तरफ पहाड़ियां वादियां और एकदम नेचुरल ब्यूटी पे वैली में बैठे हुए थे और बीच में हमारा रिसोर्ट था और रिसोर्ट भी एक स्टार कैटेगरी का रिसोर्ट था। तो हमने बता दिया सर कि हमारे हीरो को वहां पे सम्मानित किया गया रीजनल एंड अबव, वहां पे बाई पोस्टर बाई कटआउट, उसके बाद हमारे को रूम भी अच्छा मिला, इमीडिएटली हम लोग को वहां का जो लंच की व्यवस्था थी वो भी लाजवाब था सर। रियली कहता हूँ कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का व्यवस्था था वहां पे। उसके बाद हमारी मीटिंग शुरू हुई सर। रियली कहता हूँ कि पहला दिन तो बस हम लोग नाचते गाते ही बिता लिए। दूसरे दिन की अगर बात करूं, दूसरा दिन भी एकदम ही जबरदस्त सा हुआ था हमारा सेलिब्रेशन प्रोग्राम। अब सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी ऐसा होता है, ये मैंने अपने 25 साल के नेटवर्किंग के करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि एक साधारण से साधारण रेनोवियंस को भी इतना सम्मान दिया जाता है। पहला सम्मान अगर बोल सकते हैं कि व्यक्ति जिन्होंने चलो एबीसी को क्वालिफाई किया उस व्यक्ति को भी सम्मानित किया गया सर। हर व्यक्ति को, हर लीडर को वहां पे सम्मानित किया गया और वो सम्मान स्वयं गुप्ते सर ने किया। हर व्यक्ति को कोई छूटा नहीं वहां पे। हर लीडर को मतलब फ्यूचर का जो करोड़पति बनने वाला है, फ्यूचर का जो रीजनल बनने वाला है, उसकी तैयारी गुप्ते सर ने उन चलो एबीसी के अचीवरों को सम्मानित करके प्रूफ कर दिया कि सम्मान अगर करना है तो रूट लेवल से करो, एकदम जमीनी स्तर से करो सर। ये बहुत बड़ा एजुकेशन है, अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं आपको ये एजुकेशन दे रहा हूं। एजुकेशन इटसेल्फ, हमारा रोल, हमारा आचरण बोल देता है कि हम हमारे टीम के बारे में क्या सोचते हैं।
गुरदेव सर ने प्रूफ कर दिया कि हर जो चलो एबीसी कैची वर्क थे वो उद्देश्य करके इतना बड़ा प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया लेवल में हो रहा था रामनगर में, प्रूफ कर दिया कि पहले उसको सम्मानित करो जिनके उद्देश्य से प्रोग्राम डिजाइन हुआ। बहुत ही सम्मान मिला हर व्यक्ति को, एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव रीजनल तक को, हर व्यक्ति को स्टेज में। ज्यादातर 90% प्रोग्राम हुआ कि जो टीम के अचीवर्स है, किसी को छोड़ा नहीं गया सर। चलो एबीसी अचीवरों को सम्मानित किया गया, एग्जीक्यूटिव को सम्मानित किया गया, सीनियर एग्जीक्यूटिव को सम्मानित किया गया, रीजनल अचीवरों को भी सम्मानित किया गया। और उसके बाद जब एलिट का समय आया और एलिट एंड अबव सीनियर एलिट का समय आया या रीजनल एलिट का समय आया, तो वह तो बोल सकते एक सरप्राइज हो गया हमारे लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया कि एलिट एंड अबव को, विशेषकर एलिट को जब एंट्री दिया जा रहा था तो वहां पे रेड कार्पेट था। रेड कार्पेट के थ्रू एक एलिट को बुलाया जा रहा था और वो भी एलिट अचीवर जब आ रहे थे तो सामने ढोल नकारे बज रहे थे। मतलब कल्पना नहीं कर पाओगे कि लग रहा था कि रियली में कि हम शादी के बारात पे हैं और मैं दूल्हा हूं और मेरे को वेलकम किया जा रहा है। मतलब शादी के इतने साल बाद भी इतना सम्मान इतना प्यार टीजीएस सिस्टम ने दिखा दिया कि सम्मान और वेलकम ऐसे ही होता है। पूरा स्टेज तक ढोल नकारे के साथ लिए जाया जाता है, पूरा सम्मानित किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हैं कि आप इसकी फीलिंग्स को मैं बोलने से समझ नहीं पाएंगे, वहां पे रहने से आप समझ पाते हैं कि क्या हो रहा था। हर व्यक्ति जो वहां पे बैठा हुआ था, करीब 1534 लोग थे, 1500 टीजीएस एजुकेशन सिस्टम के रेनोवियन स्पेशल रहे थे। रियली कहता हूं कि उन्होंने उनके मन में ना, मैं कल्पना कर सकता हूं कि उनके मन में क्या हो रहा था। तो मेरा थोड़ा लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा देख लीजिएगा मेरी आवाज आ रही है नहीं। प्रताप सर ओके, थैंक यू अंकर सर। तो वहां पे जो लोग बैठे हुए थे 1534, मेरे को गुरदेव सर से कल पता चला कि 1500 लोग नहीं थे, 1534 लोग थे ऑफिशियली। ये 1534 लोग जो लोग एलिट नहीं थे, मैं 100% इनको बोल सकता हूं कि उनके मन में भी वो इच्छा वो जागृत कर हो चुका है कि अगर इमीडिएटली हम लोग एलिट बनते हैं टीजीएस एजुकेशन सिस्टम का सहारा लेते हुए, तो इतना ही बोल सकते हैं कि हमारे को भी इतना प्यार इतना सम्मान मिलेगा। हर किसी के मन में यही हो रहा था, इतना प्यार इतना सम्मान। सीनियर एलिट को तो एकदम बोल सकते हैं कि बहुत ही नगाड़े के साथ और बहुत ही एक फेस हमारा ये था, जैसे बारात में ऊपर छतरी टाइप का रहता है उस तरह किया जा रहा था। हर व्यक्ति यहाँ पे अभी बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे एलिट सीनियर एलिट रीजनल एलिट आए हुए थे जो अपने परिवार के साथ आए हुए थे, अपने वाइफ अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। और वहां पे जब उनको बुलाया जा रहा था सीनियर एलिट रीजनल एलिट को, उनकी वाइफ उनके बच्चे गर्व महसूस कर रहे थे कि हम रेनोवियंस हैं, हम नेलेटस करते हैं। क्या ये बहुत अच्छा, ये बोल सकते हैं कि जीवन में ऐसा पल बहुत कम आता है कि आप सफल हो, आपके कॉलीग्स ने आपके डिस्ट्रीब्यूटरों ने आपके टीम मेंबरों ने आपको देख लिया, आपकी वाइफ आपके बच्चे आप क्या कर रहे हो आपके विषय में आइडिया नहीं है, मगर जब आप रेलेटर्स के इस तरह के प्रोग्राम टीजीएस के इतने बड़े प्रोग्राम में आपको सम्मानित किया जाता है तो वो भी गर्व होके गर्वान्वित होते हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं कि हम रामनगर गए थे और मेरे पापा इतने बड़े काम करते हैं कि उनको इस तरह से सम्मान मिला था। अपने बीवी बच्चों के सामने ये जो सम्मान मिलना, हमारे नईम खान साहब, हमारे जावेद हुसैन सर, जो लोग अपने परिवार को साथ लाए थे, टीजी चांदेकर सर,
सबको मैं रियली कहता हूँ कि अपने परिवार को हमने ये एहसास दिला दिया कि रियली सम्मान किसको बोलते हैं, ये टीजीएस से सीखो। प्यार किसको बोलते हैं, केयर किसको बोलते हैं, ये टीजीएस से सीखने की जरूरत है। क्योंकि टीजीएस अल्टीमेटली अभी तो शुरुआत है सर, अब बस अभी 5 साल और होने दीजिए, रियली कहता हूँ पूरे विश्व में हमारा डंका बजेगा सर, हमारा डंका बजेगा। बस हमारा इस सिस्टम को पकड़ के चलो, इस सिस्टम के बारे में लोगों से बातें करो। चलो एबीसी का जो प्रोग्राम हो चुका है, इस प्रोग्राम के बारे में दिन रात बातें करो। अभी आपको बहुत कुछ बातें करने की जरूरत नहीं है, खाली व्याख्या दो क्या हुआ, चलो एबीसी में क्या हुआ, 3 दिन में आपको क्या मिला, खाली इसकी व्याख्या दो सर। ऐसे ही आपका उसी हफ्ते में, इसी वीक में आपका एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई हो जाए। खाली इतना सा बता दो, ये है टीजीएस, ये है रेरेटस, इसी वीक में आपका एग्जीक्यूटिव होगा सर। इसके बाद भी और बहुत सारे अच्छे अच्छे निर्णय ले लिया गया है, वो निर्णय भी बहुत ही जबरदस्त है सर। रियली कहता हूँ कि अगर आप आज के दिन में अपने आप को एग्जीक्यूटिव मानते हो, 1 साल टीजीएस एजुकेशन सिस्टम को पकड़ लो, 1 साल बाद आप खुद बोलोगे, आज अगर आप 20,000 की इनकम में बैठे हुए हो, 1 साल बाद अगर आपने एजुकेशन सिस्टम टीजीएस को पकड़ लिया और हमारे गुरु जी, हमारे महागुरु, हमारे अपलाइन जो जो बोल रहे हैं एकदम 100% कॉपी कर लो ना सर, रियली कहता हूँ 1 साल बाद आप खुद बोलोगे मैं एलिट बन चुका हूँ। जीवन का 1 साल ऐसे भी बीतेगा, हम नेरेटस को करें या ना करें, टीजीएस को माने अथवा ना माने, 1 साल हमारा ऐसे ही बीत जाएगा। मगर मान के चलोगे तो 20,000 की इनकम वाला बंदा 1 साल बाद 4 लाख की इनकम वाला बन जाएगा, ये गारंटी है सर। अब सिस्टम को पकड़ के चलो, सिस्टम को मान के चलो, जैसे हमारा सिस्टम बोलता है टीजीएस, उस सिस्टम को फॉलो करो सर। यहाँ पे एक शब्द का भी हेरफेर मत करो, ना तो आकार का हेरफेर करो, ना तो इनकार का हेरफेर करो, जैसा बोला जाता है वैसे कीजिएगा, तो 100% सर आपका अचीवमेंट अब सिस्टम की जिम्मेदारी बन जाती है। हमारा काम है सिस्टम को फॉलो करना और टीजीएस सिस्टम की जिम्मेदारी है हमारे को अचीवर बनाना। इससे सहज रास्ता जीवन में और क्या हो सकता है, ये हमने चलो एबीसी में सीखा सर। अब हमारा उम्मीद है कि हमारा ऐसा प्रोग्राम हमको फिर मिले और हम लोग फिर से अपने परिवार के साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंजॉय करें सर। बहुत बहुत अच्छा लगा, इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा मेरे विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज ऐसे भी बहुत लोग आए हैं कि जो पहली बार आए होंगे, करीब करीब 1,000 के आसपास लोग हैं। तो जो लोग पहली बार आए हैं मैं उनसे परिचय करवाता हूँ, और जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं, थोड़ा मेरा नाम सूर्य दत्ता है, पेशे से मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और बेंगलोर में सेटल्ड, और इस काम को रेनेटस के इस सुंदर से काम को मैं करीब करीब 4 साल से दिल से कर रहा हूँ सर। और दिल से करने के लिए बहुत सारी, मैं एक्चुअली कहूँ कि इंजीनियर के रूप में ऐसे बहुत भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, जो लोग कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है, कोई कुछ ना कुछ प्रोफेशन में है, जनरली अभी तक हमने उस ऑडियंस को छुआ भी नहीं है। कुछ गिने चुने लोगों को हमने छुआ है जो लोग रेनेटस करते हैं, मगर अगर हमने उन व्यक्तियों को भी छू लिया तो रियली कहता हूं कि इस नेटवर्क इंडस्ट्री में हर तरह के लोगों की जरूरत है। यहाँ पे एडुकेटेड लोगों की भी जरूरत है, जो एडुकेटेड नहीं है उनकी भी जरूरत है, एक किसान की जरूरत है। सबसे बड़ी बात कि हमारे इस रेनेटस के इस परिवार में, टीजीएस के इस एजुकेशन सिस्टम में इतनी ताकत है कि एक माँ को, एक बहन को, जो खाली एक हाउसवाइफ हुआ करती है, जो साधारण से बोल सकते हैं कि सोच ही नहीं पाते हैं कि हम कभी भी लखपति होंगे, करोड़पति होंगे, ऐसे माँ बहन को भी मौका मिलता है कि आप आओ हमारे एजुकेशन सिस्टम का दामन पकड़ो और आगे बढ़ते जाओ। बोल सकते हैं कुछ भी आपको मिस नहीं होगा। यहाँ पे बहुत बड़ी उपस्थिति थी माँ बहनों का, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि आप लोग थे, आप लोगों को भी पता चला कि रेनेटस एक ऐसी फीलिंग्स है, एक ऐसी अनुभूति है
खाली इसको समझना पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा तो सब कुछ होगा। तो मैं अपने विषय में बताऊं कि रेनेटस में मेरी जो एंट्री हुई है तो ऐसा ही नहीं हुआ है, मेरी कुछ मजबूरी थी, मेरी मजबूरी तबीयत भी था, मतलब शारीरिक परिस्थिति भी था, और मेरी मजबूरी मेरी आर्थिक तंगी उधारी कर्जा ये भी था। तो एक व्यक्ति जो एक अच्छे इंजीनियरिंग पोजीशन में है, उस व्यक्ति को क्यों आर्थिक तंगी होगी, उस व्यक्ति को क्यों कर्जा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जीवन में ना हर वो चीज हमको नहीं मिलता जो हम सोचते हैं, और जीवन में और एक चीज है कि हम जो सोच नहीं पा रहे हैं ऐसी विपदा ऐसी समस्या हमारे सामने आ जाती है, हम सोच ही नहीं पा रहे, हमको लगता है कि हमारे जीवन में हमको सरकारी नौकरी मिल गई है, हमारे को इंजीनियरिंग की नौकरी मिल गई है, मेरा बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा है, ये हम सोचते हैं कि भविष्य भी ऐसा ही चलेगा। मगर जब हम लोग वास्तव में हमारे सामने बहुत सारे ऐसे अनहोनी घटनाएं हो जाती है, हमारे सामने ऐसे कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं कि जो चैलेंजेस की हमने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने कल्पना नहीं किया था कि मेरी मम्मी को पैरालिसिस अटैक हो जाएगा और वो बिस्तर पकड़ लेगी और मेरा जो जमा पूंजी था वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में मेरा रेनेटस में एंट्री हुआ जो मेरी मम्मी बेडरिडन है। तो मैंने रेनेटस का दामन पकड़ा, मैंने चलना चालू किया और उस समय मैं काफी कर्जे में था, तो मेरा प्रायोरिटी यही था, प्राथमिकता यही थी जल्दी से जल्दी कर्जा उतार लो और अपनी मम्मी को स्वस्थ देखो। यह हमारे जीवन में यहाँ पे जो आज रेनोवियंस मीटिंग में बैठे हुए हैं, टीजीएस के जो हमारे जुझारू सेना जो बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति का देखिएगा, आप अपने आप से सवाल कीजिएगा सर, आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि अभी आपकी जो उम्र है और जिस उम्र से आपने रोजगार शुरू किया है, जिस उम्र से आपने अपने परिवार की जिम्मेदारी ली है, अपने बीवी बच्चे माँ बाप की जिम्मेदारी ली है, हर घटना क्या आपके अनुकूल रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति का सामना क्या आपको नहीं करना पड़ा है, तो आप मिला के देख लीजिएगा सर, 90% घटना हमारे को मालूम ही नहीं चलता, 10% जो घटना होता है सर वो हमारे को मालूम है कि कल क्या होने वाला है। 90% जब अनहोनी हमारे और आपके जीवन में घटित हो जाता है ना, उस समय हम लड़खड़ा जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। इसी तरह मैंने भी कुछ अपने जीवन के गलत परिस्थितियों में गलत कदम उठा लिया और कर्जे में आ गया, और कर्जे में आने के बाद 5 लाख का कर्जा जो चलो भाई चुकता हो जाएगा, मतलब करीब 40-50 लाख का जो कर्जा है, ये कर्जा ना रात को सोने नहीं देता। यहाँ पे बैठे तो रेनो भी अच्छा है, रियली कहता हूँ, यहाँ पे बैठे ऐसे बहुत माँ बहने भी है, रियली कहता हूँ, कितने रात हमने बिता दिए हैं, वो माँ वो बहन वो वाइफ, कितने रात हम बिता देते हैं करवटे बदलते बदलते, ना नींद आती है और रात को डरावना सपना देखते हैं, कब वो कर्जे वाला आएगा, कब क्या होगा। प्रताप सर और एक बार आप बोल दीजिएगा, साउंड क्लियर है, क्योंकि किसी किसी का एक दो का मैसेज आ रहा है, साउंड क्लियर नहीं, थोड़ा बता दीजिएगा प्रताप सर। थैंक यू खरगवंशी सर। तो हमारे ऐसे बहुत बहुत मतलब पूरा रेनेटस में जितने सफल लीडर देखेंगे आप, आज जो यहाँ पे आए हुए थे, मैं आपको एक एक पॉइंट की बात करता हूँ, जो चलो एबीसी में क्वालिफाई होके आए थे, जो एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आए थे, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव रीजनल एलीट सीनियर एलीट 99% सर, 99, मैं खाली 1% को सोचता हूँ सर, 99% लीडर आए थे अपनी मजबूरी में, उन्होंने रेनेटस किया है सर, कोई शौक से आके रेनेटस में ज्वाइन नहीं किया कि मेरे को रेनेटस नाम अच्छा लग गया इसीलिए मैं रेनेटस ज्वाइन कर गया, नहीं सर, हर व्यक्ति की अपनी मजबूरी थी, किसी की शारीरिक मजबूरी थी, मगर ज्यादातर लोगों की आर्थिक मजबूरी थी, वो छटपटा रहे थे अपने जीवन में,
ना वाइफ के सामने अच्छा हस्बैंड बन पा रहे थे, ना अपने बच्चों के सामने अच्छे पिता बन पा रहे थे, ना अच्छा बेटा बन पा रहे थे अपने माँ बाप के सामने, छटपटा रहे थे, अंदर ही अंदर कष्ट हो रहा था। वही व्यक्ति को जब रेनेटस मिलता है तो मैं बोलता हूँ कि आज मैं बोलता हूँ कि रेनेटस एक भगवान का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद आपको पहुंचाने वाले आपके अप्लाई है। वो कितना शिक्षित है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कितना दिखने में सुंदर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो यंग है या बूढ़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान का जब आशीर्वाद आता है इस रूप में आता है, उसको वैल्यू दो, वैल्यू उसको देना है। किस रूप में आ रहा है, कौन देने वाला है, वो तो दूत है, वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। उस अप्लाई को खाली गले लगा लो, उसके पांव छू लो, जो सिखाता है सीख लो। तो मेरे को भी ऐसे ही मिल गए, मेरे को भी मेरी उस कठिन परिस्थिति भी मेरे ग्रेट अप्लाई मेरे स्पॉन्सर जावेद हुसैन सर मिल गए। मेरे सब्जेक्ट को जो छत्तीसगढ़ से और रेनेटस के बोल सकते हैं रीजनल एलीट रैंकिंग में भी है, और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है सर। रियली कहता हूं ऐसा अप्लाई हर व्यक्ति को मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए और जीवन में हर वो चीज हमको मिले। और हमारे को, हम लोग लकी है, रियली कहता हूं कि हमारे को गुरु सर जैसे ग्रेट महागुरु भी मिल गए कि जो केयर करते हैं, हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। अब देख लेना उनका ज्यादातर समय तो इसका फोन अटेंड करना, उसका फोन अटेंड करना, इसी में बीत जाता है। तो मेरे को भी ये सिस्टम मिला, मैंने काम को शुरू कर दिया सर। मैं अपने बारे में जब भी बोलने की कोशिश करता हूँ, ऐसी कुछ घटनाएं रहती है जो मैं बोल नहीं पाता हूँ। ऐसे जीवन के एक एक ऐसा रात रहता है, एक एक दिन रहता है कि रियली कहता हूँ कि एक एक समय लगता है कि ये बोल के मैं सेंटिमेंट को कवर कर रहा हूँ, लोगों को क्या रुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बताओ गुप्ते सर का जब मैंने रेनेटस ज्वाइन किया था, तो गुप्ते सर का जब मैंने, मेरा अपने दुख थे, मेरा अपना कष्ट था, मगर जब मैंने गुप्ते सर का घटना सुना कि ये व्यक्ति आज इस जगह पे है मगर ये भी कर्जे में था, नईम खान साहब का जब सुना तो देखा ये भी कर्जे में था, मैंने फिर जावेद हुसैन साहब का सुना तो करोड़ों के कर्जे में था। तो मैंने देखा कि जो जो यहाँ पे आके अच्छा काम कर रहे हैं तो इनके पीछे आग लगा हुआ है, इनके पीछे कोई एक जैसा लगता है कि जो भूत है ना, ये भूत दिखता नहीं है, ये भूत हमको डराता है रोज, पीछे पीछे भागता है। तो हमारा कर्जा हमारे पीछे भूत की तरह पड़ा हुआ था, डराता था, नहीं देगा तो तेरा ये हो जाएगा, परिवार से ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो सफल व्यक्ति है ना, रियली कहता हूं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी कहानी है। तो हम इस कहानी को जो बीता हुआ कल है, इस बीते हुए कल में हम किला ठोक सकते हैं और एक नए दुनिया की शुरुआत कर सकते हैं। सब कुछ संभव है, आप निर्णय क्या ले रहे हो। अभी हमारे पास और ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 12 मिनट टाइम है। मैं इतना ही बोलूंगा कि रेनेटस में कैरियर बनाना है तो इतना ही कहूंगा, टीजीएस का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसको मान लो पहले। ये मानने में कहां तकलीफ हो रही है, क्यों नहीं मान पा रहे हो कि ये एजुकेशन सिस्टम है। ये एजुकेशन सिस्टम आपने कभी सोच के देखा है कि 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर है रेनेटस के, 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर में कोई एक बंदा जिनका नाम गुप्ते सिंह है, वो गुप्ते सर बोलते हैं कि आप डरो मत, आपको काम करना नहीं आ रहा है ना, आपको प्लान शो दिखाना नहीं आ रहा है, आप सिस्टम को कैसे फॉलो करोगे ये समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको हर वो चीज सिखा देंगे, खाली आप हमारा हाथ तो पकड़ के चलो। यही है हमारा सिस्टम, आपके अंदर अपने प्रति एक विश्वास को जागृत करना है कि आप रियली आप अपने आप को कितना विश्वास करते हो। दूसरों को विश्वास करना बहुत दूर की बात है,
अपलाइन को विश्वास करना, डाउनलाइन को विश्वास करना, पहले आप अपने आप को विश्वास करो कि रियली आप कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और अगर आपको विश्वास करना है तो पहला काम एक कीजिए कि आप अपने तरफ जरा झांक के देखिए कि मैं कहां पे खड़ा हूं, आप कहां पे खड़े हो, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको क्लियर नहीं होता कि आप कहां पे खड़े हो, आपका जो दौड़ है वो शुरू नहीं हो पाएगा। अब दौड़ोगे तब जब आपको पता चलेगा कि आपके पीछे क्या हो रहा है। रियली कहता हूं कि निरंतर से कैसा प्लेटफॉर्म आपके पास दे चुका है कि जहां पे आप अपने आप को उपलब्धि कर पाओगे कि मैं कहां पे खड़ा हूं, मैं क्या 10,000 की इनकम में खड़ा हूं, मैं क्या 50,000 इनकम महीने का कर लेता हूं, मैं क्या महीने का 1,00,000 कर लेता हूं। जो भी इनकम आप कर सकते हो कर लो, मगर इतना बोल सकता हूँ रेनेटस को अगर आपने सिर्फ 2 साल दिल लगा के कर लिया ना, तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि महीने का 5 से 10 लाख रुपए इनकम करना बड़ी बात नहीं होगी। सिर्फ 2 साल दिल लगा के कर लो, सिस्टम को फॉलो कर लो। जो सब्जेक्ट आपके पास आया है उस सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज लो, एकदम गहराई तक जाओ। अब गहराई तक नहीं जाओगे, ऊपर से ऊपर तक रेनेटस को बताओगे तो रेनेटस का कैप्सूल दवाई बन जाएगा और आप डॉक्टर बन जाओगे। और जैसे ही आप सब्जेक्ट के गहराई में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको ना डॉक्टर बनना है ना तो हमको दवाई बेचना है, हमको एक अच्छा निरोग शरीर बनाने के लिए एक सजेशन देना है। एक सजेशन देंगे मात्र जीवन में जो व्यक्ति शारीरिक रूप से टूट चुका है उसको आप एक सजेशन दे रहे हो कैसे निरोग रहोगे। और इसी तरह एक व्यक्ति आर्थिक रूप से टूट चुका है उसको आप एक सजेशन दे रहे हो, एक सलाह दे रहे हो कि आपने अपनी बुद्धि, अपने तर्क सब कुछ को अजमा लिया है, तब भी आज अगर आप 10,000 से 25,000 की इनकम में फंस चुके हो तो इससे अगर निकलना है तो आपकी आर्थिक परिस्थिति का सुधार रेनेटस कर सकती है। और जो व्यक्ति आपके घर में आया है, वो जो यंग लड़का आपको रेनेटस समझाने के लिए आया है, उसको समझ लो, उसके एज में मत जाओ। जो माँ आपके घर में आई है उसके बातों को ध्यान दो, वो कितनी पढ़ी लिखी है उसमें मत जाओ। आप एक बार गहराई से सोच लो रेनेटस है क्या और टीजीएस है क्या। रेनेटस एक आधार है और टीजीएस एक सिस्टम है। रेनेटस में आप तो 1 साल आए हो, रेनेटस में भी तो आप 6 महीने आए हो, रेनेटस में तो 2 साल आए हो। 2 साल में आपने जीवन की हर उपलब्धि को देख लिया। अरे आपने अपने जीवन में 18 साल नौकरी करते हुए बिता दिया है, आपने अपने जीवन का 20 साल दुकान खोल के बिता दिया है, वहां पे आपको नजर नहीं आया और 2 साल में पता चल गया आपका अपलाइन गलत है, आपका टीम गलत है। ये मत करो सर, हर व्यक्ति सही है, हर व्यक्ति सही है, उसको रास्ता नहीं मालूम कैसे काम करे। तो कैसे काम के लिए टीजीएस है ना सर, रोज जूम मीटिंग में आओ, रोज आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी आपको कल शायद मैं कंफर्म नहीं बोल पा रहा हूँ कि अभी आपका बिजनेस आज लिख लो सर, लिख लो डायरी में, चाहिए कोई एडुकेशन नहीं दे रहा हूं सर। आज के दिन में आप लिख लो आपका बिजनेस कितना सीसी गया है, इस वीक में जो लास्ट वीक का क्लोजिंग हुआ कितना सीसी गया है, खाली आप इतना लिख के रख दो। और हमारा नया एक ऑप्शन आ रहा है, नया एक चैलेंज आ रहा है जो कुत्ते सर या सुदर्शन शर्मा सर हमको देने वाले हैं 1,000 में 1,000। 1,000 में 1,000 क्या है ये हमारे को कल ऑफिशियली पता चलेगा, या तो सूरज शर्मा सर के माध्यम से या तो गुरते सर के माध्यम से। खाली इतना बोल देता हूं आपके बिजनेस अगर आप 100 सीसी में बैठे हो, मात्र 100 सीसी का बिजनेस किया है, आपका लास्ट वीक का चैलेंज करके बोल सकता हूं जुलाई के एंड तक आपका बिजनेस 100 सीसी मैचिंग नहीं रहेगा, मिनिमम 10,000 सीसी का मैचिंग होगा। मिनिमम की बात कहता हूं, जो बंदा 100 सीसी के लिए 1,000 रुपए का पेमेंट उठाया है वही बंदा जुलाई के एंड में लाखों का पेमेंट उठाएगा। निर्णय आपको लेना है कि 1,000 से 1,000 वाला जो ऑप्शन है
अचानक करेंगे, अचानक ये वाला एक नया ऑप्शन आ रहा है तो हमारे बिजनेस को एक टारगेट देगा, एक हमारे को लक्ष्य देगा कि कैसे काम करने से। निर्णय आपको लेना है सर, अगर आप खुश हो रिलेटर्स के 1000 रुपए इनकम को लेके तो मैं बोलूंगा खुश रहो। अगर हमारे कुत्ते सर ने जो प्लानिंग किया है कि जो बंदा 1000 रुपए खुश नहीं है उनके लिए क्या प्लानिंग है सर, ये प्लानिंग सबके लिए नहीं है, सबको बोला जाएगा, कौन इसको प्रयोग करेगा ये आपके ऊपर। जो बंदा 1000 रुपए खुश नहीं है वो बंदा 1 लाख में तो खुश होगा, महीने का है हफ्ते का ही कम जुलाई का एंड होगा वो बंदा महीने का 1 लाख कमा सकता है, मतलब 1000 से 1 लाख। आप समझ पा रहे हो सर, 100 गुना इनकम आपकी बढ़ोतरी होगी। खाली एक सिस्टम, एक फॉर्मूला हमारे कुत्ते सर या सूरज शर्मा सर शायद बोलने वाले हैं, इसको मान लो। बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम शिद्दत से करो, दिल से करो, अपने टीम के लिए करो, पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो मेरा ये कहना था कि कैसे करके, एक्चुअली बहुत लोग सुनना चाह रहे हैं करोड़पति कैसे बने, जानना चाहते हैं। 1000 करेगा 1000, हमारे भूपेंद्र जी बडाउन सर यूपी से बोल रहे हैं। रियली कहता हूँ 1000 1000 वाला जो पार्ट है मैं बोल सकता था, मगर हमारे महागुरु बोलेंगे तो उनकी व्याख्या अलग होती है, उनका बोलने का तरीका अलग होता है, हम एक और दिन वेट कर जाते हैं तो कल को आपको पता चल जाएगा। फिर भी हमने जो कहा, लोग बोलते हैं कि भैया ये करोड़पति आप लोग बैठा हो अंदर कैसे बने हो, थोड़ा एक दो टिप्स दे दो। सर रियली कहता हूँ करोड़पति बनने के लिए कोई टिप्स की जरूरत नहीं है सर, करोड़पति रेनेटस में बनने के लिए अपने आप को अंदर से झांकना पड़ेगा। कितनी बार जीवन में आपको अकेले रोना पड़ेगा सर, कितनी बार कितने लीडर सर ये भी कहता हूं कि जिस दिन आप अकेले रहोगे ना आपको पता चलेगा आपके दुख कितने भारी होते जा रहे हैं, आपकी माँ को आप तड़पते हुए देखोगे, आपके बीवी के वो सपने जो पूरे नहीं हो रहे हैं, आपके बच्चे का एजुकेशन अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं हो रहा है ना, जब ये दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ेगा ना, अगर आप सही पति हो, अगर आप सही पिता हो, अगर आप सही बेटा हो ना, अकेले अकेले जिस दिन रोना आपका शुरू होगा ना उसी दिन आपका टारगेट भी सेट हो जाएगा, करना क्या है और कितना जल्दी करना है। एक दिन दो, उसके बाद रोने की जरूरत नहीं है सर, सब आपको मिलेगा, रेनेटस आपको हर वो चीज देगा सर। करोड़पति का क्या है सर, अब करोड़पति हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आज आप के सम्मानी को बोलो करोड़पति डे चल रहा है, आप मीटिंग में बैठ जाओ, अरे जो लाखों करोड़ों का मालिक है उसको करोड़पति का वैल्यू मतलब नहीं है, मगर हमें और आपको करोड़पति का मतलब मालूम है, क्योंकि हम कहां पे फंसे हुए हैं। भारतवर्ष के 70% लोग 10,000 से लेकर 25,000 इनकम करते हैं, ना बच्चे का एजुकेशन भी तरीके से दे पाते हैं, ना बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा पाते हैं, ना बीवी को कोई अच्छा गहना खरीद के दे पाते हैं, और ना मम्मी पापा का किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा पाते हैं, क्योंकि 10,000 और 25,000 में परिवार मेंटेन नहीं होता, चिकित्सा क्या होगा, एजुकेशन क्या होगा, और बीवी के सपनों का क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला सर। अगर सपना पूरा करना है, माँ बाप को सही ट्रीटमेंट देना है, बच्चों के वो चमकते हुए आंखों की खुशियों को महसूस करना है, इतना ही बोलूंगा एक दिन में लाइफ में एक ऐसा निर्णय लो रेनेटस भी करूंगा, जैसे आप लाइन बोलते हैं वैसा ही करूंगा, और टीम टीम तो सब कुछ है हमारे, कोई भी टीम हो सर, मेरा टीम क्रॉस लाइन मेन लाइन फ्रंट लाइन जिस लाइन में भी जाओ हर टीम को उत्साहित करो सर, हर टीम को उत्साहित करो, किसी भी लीडर का टीम आपके सामने बोल जाए हम जब बात चलो एबीसी में कहे मैं पहचानता नहीं हूँ, लोग आके जब बोलते थे सुजय दत्ता सर आपका मीटिंग सुन के मैंने निर्णय लिया था और उसके बाद आज मैं इस पोजिशन में हूँ, मैं बोलता हूँ सर आप कहाँ से हो, सर एक व्यक्ति आपको मीटिंग के थ्रू पहचानता है
और उसके बाद हमसे आपके परिचय करता है जिसको आप जानते नहीं हो, जिसको आप जानते नहीं हो, वो व्यक्ति आपको एडिफाई करता है और बोलता है सर आपके कर्म ऐसे हुआ, ऐसे सौ सौ के हिसाब से लोग मिल रहे थे, चलो एबीसी में। तब मेरे को याद आती है, मेरे को लगता है कि ऊपर वाला तुमने मेरे को ही चुना, कि जितनी दुआ आ रही है आपके कारण आ रही है सर, ये टीम के लिए आ रही है, वो मेरा टीम, फ्रॉक्समैन टीम, मत पूछो उस बातों में। टीम किसी का भी हो, रेनेटस करना है ना, टीम किसका भी हो, टीजीएस के एजुकेशन सिस्टम में है ना, बस इतना हो गले मिलो उससे, बस गले मिल के उसके साथ एक मिनट बैठो, उसको साथ दो। वो पूछ चुका है, वो सोच रहा है कि मेरा टीम निकल गया है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसको गले मिलो, उसके साथ टाइम में बैठ के उसके लिए प्लानिंग करो। अगर आपने दूसरे टीम के लीडरों को भी सफलता दे ली ना सर, इतनी दुआ मिलेगी कि रियली कहता हूँ कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे सर। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि दुआ एकमात्र ऐसी चीज है जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर हो जाता है सर, और दिखता नहीं है। आत्मा से आती है सर, एकदम बाई हार्ट आती है, आत्मा से निकलती है। तो मैं अपने बच्चों को आर्थिक रूप से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, आपके बच्चों को, आपके वाइफ को, आपके माता पिता को आर्थिक रूप से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आत्मा से आत्मा की बात करूंगा। दिमाग वाला बात रिलेटर्स का नहीं है सर, कि आत्मा को आप प्योर रखो, आपकी आत्मा को पवित्र रखो, रिलेटर्स हमसे होगा, सब कुछ आपसे होगा, आप में वो क्षमता है क्योंकि आप ऊपर वाले का भी भगवान ने आपकी रचना की है। कभी दुख देगा आपकी परीक्षा करने के लिए, कभी सुख भी देगा आपको परीक्षा करने के लिए, कि उस सुख में आप भटक को नहीं जा रहे हो। जिस दिन आपके पास सर वो खुशियां आएगी ना, उस दिन किसी दूसरे के लिए उस खुशी की कामना कर लेना। बहुत बहुत अच्छा लगा, बोलते रहेंगे तो समय हो गया है। मैं प्रताप सर को बोलूंगा और सभी रेनोवियंस को, सभी टीजीएस के सिस्टम को बोलूंगा, प्रतिदिन सुबह 7 बजे वाला जो हमारा प्रोग्राम है उसमें आइए, उसमें नया नया आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और शायद कल हमारे गुप्ते सर या सूरज शर्मा सर कुछ नई घोषणा करने वाले हैं, जो घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है, मगर आपको उनके मुंह से सुन लेना है कैसे हम अपने बिजनेस को 100 गुना बढ़ाएं, 10 गुना नहीं सर, सीधा 100 गुना। आप अगर 1000 की इनकम में हो, 1 साल के अंदर आप यहाँ पे महीने का 10 लाख कमा सकते हो, महीने का 10 लाख कमा सकते हो। आज अगर आप 1000 की इनकम में हो, जुलाई के एंड तक आप महीने का 1 लाख कमा सकते हो। इसके ऊपर सुपर फॉर्मूला आपको कल मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। Rocking the Netters, I love TGS, you love